तुम्हारी बोला गटर साफ नहीं है, ये है वो है। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ईद गुजर चुकी है, ईद का आज फोर्थ डे है और मैं व्लॉग अब बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और पहले वाला जो व्लॉग मैंने बनाया था अपने एक बकरे के साथ, पूरी एक स्टोरी अगर आप लोगों ने देखी है तो लाजमी उसको शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो अभी जाकर देखें क्योंकि उस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मेरी खुद की ऐसी कंडीशन भी नहीं थी कि मैं बना सकूं, और फिर भी मैं बना रही थी सिर्फ इसलिए कि कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आए कि हम लोग जब एक एज में हो जाते हैं, एक उम्र की हद तक पहुंच जाते हैं, तो अपना देख सकें बैठ के कि ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ भी थी या ऐसी इन्जॉयमेंट या ऐसी मेमोरी थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कलेजी, उसी बकरे की कलेजी बना रही हूँ क्योंकि हम लोग तो नहीं खाते हैं, मैं और मेरी बहन है वो ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो हम लोग इतना नहीं खाते हैं, बट हमारे भाई वगैरह और जो घर के मर्द हजरात और बाकी लोग हैं सबको पसंद है। तो यहाँ पे कलेजी के साथ हमने गुर्दे और फेफड़े और ये सब चीज़ें भी डलवा ली थी क्योंकि मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ये सब नहीं हमने, तो अब जो है मैं लहसुन को और हरी मिर्चों को, अच्छा मेरी जो रेसिपी होती है मैं कुछ भी बनाती हूँ उसमें मैं हरी मिर्चें लाजमी ऐड करती हूँ। किसी में काट के पहले तेल गर्म करती हूँ तो उसी में डाल देती हूँ, या किसी में जो है ग्राइंड करती हूँ लहसुन को या अदरक को तो उसके साथ एक आध डाल देती हूँ। इससे ये होता है जायका बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छी स्मेल आती है। यहाँ पे लहसुन को, अदरक को और हरी मिर्चों को मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ अपनी कलेजी जो हम लोग बनाएंगे उसके लिए। प्याज को यहाँ पे ग्राइंड कर रही थी मैं, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ही ग्राइंड करूँगी क्योंकि ऐसे तो ये होना नहीं है क्योंकि ये मेड इन चाइना है। और हरी मिर्चें मैं बहुत मज़े से हाथों में उठाई जा रही थी और यही हाथ मैंने जब गलती से मुंह में लगा लिया था तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी क्या कंडीशन थी। आप लोग समझदार हैं, जिनको इल्म है इस बात का वो समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ कोई रेसिपी नहीं बता रही हूँ, मैं सिंपली एक ब्लॉग बना रही हूँ। अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं रेसिपी बता रही हूँ, भाई मैं इतनी अच्छी शेफ़ नहीं हूँ और कलेजी तो मुझे बनानी नहीं आती, और उस टाइम तो मेरा दिल, दिमाग, गुर्दा सब कुछ ही बनता, मैं बस बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा फैलावा कर दिया था सब कुछ करने के बाद। मैंने वही ऑयलिंग की, ये मेरे फ्रोज़न टमाटर वगैरह मैंने रखे हुए थे तो पहले फ्राई पैन में मैंने अपने जो पैन है उसमें मैंने तेल वगैरह डाला, उसके अंदर फिर ये पेस्ट डाल दिया था मैंने प्याज का, और जैसे नॉर्मल ही बनता है उसको भूनने के बाद, कलेजी भूनने के बाद पानी डाल दिया। मैंने गलती कर दी, मैंने इसको कवर कर दिया, मैंने इसको ढाँप दिया, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मुझे मेरी फिर किसी ने बताया कि भाई कलेजी को ढाँपना नहीं चाहिए, इससे ये होता है कि जायका अच्छा आता है और कलेजी बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने इसको ढाँप दिया था। तो ढांपने की वजह से कलेजी में कोई इतना ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ा था, सालन बहुत अच्छा बना था। और जिस तरीके से 4 बजे हमने खाना खाया था, हम लोग का भूख से बुरा हाल था तो रोटियां लेने के लिए मेरा भाई गया था, और रोटियां ही वो जो है ना 15 मिनट के अंदर लेकर आया था। इतना रश था लोगों का कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, हम लोगों ने 4 बजे ही अपना जो है ना मैदे को तवानाई पहुँचाई थी। तो कलेजी तो बहुत अच्छी बन गई थी लेकिन परफेक्ट नहीं बनी थी, जो एक होती है मज़ेदार, टेस्ट में बहुत अच्छी थी बट एक होनी चाहिए जो मैं समझती हूँ कि एक फ़र्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। तो ये देखिए पाए, ये मेरा भाई लेकर आया था और इतनी मोटी गाय के ये पाए थे, भैंस होती है ना भैंस से भी ज़्यादा मोटी, ज़िंदगी में कभी हकीकत में इतनी बड़ी गाय के पास मैं नहीं गई हूँ मुझे लगता है, और कभी पाए तो पाँव तो पकड़ ही नहीं सकते, वह उसने लथनी अच्छा खासा हड्डी पसीनियाँ एक हो जानी है। तो ये जब मेरे पास आए थे तो ये मेरी ज़िंदगी में शायद ही पहली दफ़ा था कि मैंने पकड़े, खाना बन के तैयार हो गया था, 4 बजे की ये कहानी है। तो रोटियाँ जो आई थी वो 4 बजे गया था लेने, 4:30 तक रोटियाँ आ गई थी, ऐसा लग रहा था हम तो बिछाने थे, अकल को अकल नहीं है अकलमंद को। ये रोटियाँ आई हैं 15 मिनट 20 मिनट वेट करने के बाद ये रोटियाँ मिली हैं। Thank you.
बट ये है कि जो चीज़ आपकी पसंदीदा हो या जो चीज़ आपसे इतना ज़्यादा अटैच हो तो आप कुछ भी कर लो, वो चीज़ आप बेहतरीन नहीं बना सकते हो। मेरे पास और भी रखी हुई है जो मेरे पास कहीं से आई है, गाय की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉपर तरीके से बनाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।